हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। आप सभी का स्वागत है टेक इंडिया फॉर यू चैनल पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक है बेस्ट फोल्डर लॉक सॉफ्टवेयर फॉर पीसी। तो आइए आज का प्रैक्टिकल हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कहां से करेंगे। तो उसके लिए हम गूगल पे चले जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद हम सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करेंगे। इसका नाम है एनवी फोल्डर लॉकर। सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। तो इसकी प्रॉपर साइट पे, ऑफिशियल साइट पे हम जाएंगे जो कि है ये लिंक, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, सॉफ्टवेयर का नाम है एनवी फोल्डर लॉकर और इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन साइट पे दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। मेनली हम इसको अपने डेटा प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे। हमारे सिस्टम में जो भी फोल्डर्स और फाइल्स रहते हैं उनको हम प्राइवेसी के लिए लॉक कर सकते हैं। किसी भी अनवांटेड ऑथराइजेशन के लिए हम उसको एक्सेस डिनाई कर सकते हैं, यानी कि कोई भी यूजर हमारे सिस्टम पे अगर लॉगिन कर रहा है, हमारे सिस्टम को शेयर करता है और हमारा कोई भी ऐसा डेटा है जो कि कोई हम चाहते हैं कि कोई उसको यूज ना करे और एक्सेस ना कर पाए, या हम चाहें कि वो हिडन रहे, या अगर उसको एक्सेस कर भी पाए तो उसको डिलीट वगैरह ना कर पाए। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर को। तो इस सॉफ्टवेयर से हम ये सारे फीचर्स यूज करेंगे और देखेंगे कि अपने डेटा को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का नाम है एनवी फोल्डर लॉकर। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम इसके कुछ फीचर्स को जानते हैं। और ये विंडोज के सभी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, सभी पे ये सपोर्टेड है। आप इसका यूज कर सकते हैं फ्री, ये फ्री वेयर है। तो चलिए हम इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स इसकी ऑफिशियल साइट्स पे दे रखे हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, हाइड और लॉक का ऑप्शन इसमें आ रहा है। सिक्योरिटी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं इस बटन से। और यहाँ पे आपको लोकेशन शो कर देगा एग्जैक्ट फाइल या फोल्डर की जहां पे भी हमारा डेटा सेव्ड है। और इसके साथ ही इसका सॉफ्टवेयर के अंदर एक टूल बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे अलग से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको कि हम डाउनलोड कर सकते हैं, अदर सॉफ्टवेयर। इसके अलावा ये इस सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग्स हैं। सेटिंग ऑप्शन में जाके हम इसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं, लैंग्वेजेस वगैरह और प्रोटेक्शन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा होम बटन इसमें दे रखा है जिसमें कि हम लोकेशन पे जा करके ये सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जो भी फोल्डर या फाइल हमारी जिस लोकेशन पे है, ये प्रोटेक्शन मेथड्स, इतने सारे मेथड्स हैं जिसको कि अनप्रोटेक्ट, हाइड, लॉक, रीड ओनली, हाइड, लॉक और पासवर्ड, ये सारे ऑप्शन हम इनेबल कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं अपने मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स पे। तो आइए हम देख लेते हैं इसका यूज कैसे करना है। बाकी का आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके इस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप इसकी साइट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे लेटेस्ट डाउनलोड एनवी फोल्डर लॉकर। जब इसको क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन पे आपको ले जाएगा। यहाँ ये सॉफ्टवेयर का साइज देख लीजिए, 13.95 MB, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। इस पे क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर देखिए डाउनलोड होने लगेगा। तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर देखिए सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोडेड है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर पे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, परमिशन मांगेगा ये, इसको यस करेंगे और ये
वेलकम विजार्ड इसका आ चुका है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये अपना सॉफ्टवेयर बनाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। तो सिंपल इंस्टॉलेशन है और छोटा सा सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत काम का सॉफ्टवेयर है। अब ये देखिए कह रहा है कि इट रिक्वायर टू रिलॉन्च एक्सप्लोरर, क्लिक ओके। यानी कि ये पूरे सिस्टम का जो भी है हमारा डेटा और फाइल एक्सप्लोरर, यानी कि ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुला हुआ है जो कि हम जिससे कि हम अपना सारा डेटा एक्सेस करते हैं, तो ये इसको ये दोबारा से रीओपन करेगा, रीलॉन्च करेगा। तो ओके पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू करने के लिए। देखिए फाइल एक्सप्लोरर और जो भी डेटा ओपन था हमारा टास्क बार में वो सब क्लोज हो चुका है। अभी ये चेंज लॉग है इसका, इसको हम अनचेक कर देते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। देखिए डेस्कटॉप पे इसका आइकन आ चुका है, एनवी फोल्डर लॉकर। तो इसको चलिए हम ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि सेट द मास्टर पासवर्ड, और जो कि पासवर्ड हमारा केस सेंसिटिव होगा, तो चलिए इस पे हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये पासवर्ड कहीं सेफ जगह पे सेव कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि अगर ये पासवर्ड आप इसको भूल जाते हैं या फॉरगेट करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे कि वैसे इसमें आप देखिए एक रिकवरी ईमेल आईडी दे रखी है, तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी अपनी कोई भी डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ, लेकिन मैंने इसको टेस्ट करके देखा है। चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये देखिए सॉफ्टवेयर खुल गया है। अब हम यहाँ पे अपने कुछ डेटा को प्रोटेक्ट करके देखेंगे और अप्लाई करेंगे इस सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कौन से डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मेरी डी ड्राइव में मैंने कुछ फाइल्स रख रखी हैं, जैसे कि देखिए दो फोल्डर हैं, एक तो ये है 123 नाम से फोल्डर, एक है डेटा नाम से। चलिए हम इन दोनों फोल्डर्स पे सिक्योरिटी लगा के देखते हैं। तो अभी हम होम फोल्डर पे हैं, सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद हम माय कंप्यूटर में जाएंगे, ड्राइव डी के अंदर जाएंगे और डेटा फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए तो प्रोटेक्शन इस पे लग चुका है ऑलरेडी, हाइड एंड लॉक बता रहा है अभी, जो कि प्रोटेक्शन ऑन है हमारी। तो हम देख लेते हैं क्या ये हाइड और लॉक हुआ है। डी ड्राइव में जाएंगे, फिर से डी ड्राइव में जाएंगे, देखेंगे। तो देखिए डेटा नाम का फोल्डर जो हमने बनाया था वो लॉक हो, लॉक भी है और हाइड भी है। तो अभी हम इसकी प्रोटेक्शन को थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। अभी ये लॉक है और हाइड है, तो हम इसको अभी हम करते हैं, सबसे पहले हम इसको लॉक करते हैं खाली, और हिडन परमिशन इसकी हटा देंगे। तो लॉक एंड हाइड है अभी, आप देख सकते हैं मैं प्रोटेक्शन इसकी चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं सिर्फ लॉक चूज करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने लॉक चूज करा, बैक में आप देख सकते हैं फोल्डर हमारा वापस आ गया और हिडन था पहले और अभी हमें ये दिख रहा है। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये ओपन होता है कि नहीं। देखिए हमने लॉक ऑप्शंस अभी सेलेक्ट करा हुआ है, इसकी प्रोटेक्शन मेथड को लॉक सेलेक्ट करा है। तो देखिए मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये एरर दे रहा है, दिस फाइल इज लॉक्ड, प्लीज अनलॉक दिस फाइल विद एनवी फोल्डर लॉकर फर्स्टली। कह रहा है पहले इसको अनलॉक कीजिए आप, तब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। डी ड्राइव डेटा ये इसका पाथ दिखा रहा है, तो मैं ओके करता हूँ, इसको अनलॉक कर देता हूं मैं। तो इसके लिए अनप्रोटेक्शन हटानी है तो अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये देखिए अनप्रोटेक्टेड दिखा रहा है वन आइटम, तो मैं इसको अब ओपन करके देखता हूँ। ये देखिए अब ये ओपन भी हो रहा है, हम फिर से डी ड्राइव में बैक जाके एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए फोल्डर दिख भी रहा है, अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, एक्सेस भी हो रहा है, सारी फाइल्स भी इसकी ओपन हो रही हैं।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं सभी कुछ इसमें ओपन हो रहा है, फाइल भी ओपन हो रही है सभी। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और फोल्डर इनेबल कर लगा के देख सकते हैं, एक फोल्डर और सेट करते हैं जो कि नेक्स्ट फोल्डर हमारा 1 2 3, इसको भी ओपन कर लेते हैं इसके अंदर। अब ये देखिए तो 1 2 3 पे अप्लाई हो चुकी है हाइड एंड लॉक बाय डिफॉल्ट परमिशन, चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 फोल्डर देखिए हमारा गायब है, और वैसे ही इसको भी चलिए हम सिर्फ लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अब हिडन से ये वापस शो होने लगा, लेकिन ये लॉक है क्योंकि लॉक परमिशन हमने इस पे सेट कर रखी है, प्रोटेक्शन मेथड लॉक। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सभी परमिशन अलग अलग सेट कर सकते हैं जैसा भी हम चाहें। अभी देखिए डेटा फोल्डर जो था उस पे कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी, अनप्रोटेक्टेड है ये, तो ये हम एक्सेस भी कर सकते हैं और फाइल भी इसकी ओपन कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें और भी चीजें हैं जो हम सेट कर सकते हैं, तो चलिए कुछ और भी देख लेते हैं हम। अभी तो हमने फोल्डर सेलेक्ट करा है, अभी हम कोई फाइल भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 फोल्डर है, इसके अंदर तो अभी कुछ भी नहीं है तो क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैं कुछ फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, माय कंप्यूटर में जाता हूँ, डेटा फोल्डर के अंदर चलिए ये कोई एक फाइल है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये फाइल जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये फाइल बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, मैं इसमें कुछ लिख लेता हूँ। देखिए मैंने इसमें कुछ लिख के सेव कर दिया है, ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है, टेक्स्ट फाइल देखिए सेव हो चुका है इसमें डेटा। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड पे जाता हूँ, माय कंप्यूटर में जाऊंगा, फाइल अपनी सेलेक्ट करूंगा, डी ड्राइव के अंदर फाइल रखी है, न्यू टेक्स्ट फाइल, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये दिखा रहा है फेल्ड, रीजन द पेरेंट फोल्डर ऑफ दिस फाइल इज एडेड इन द लिस्ट। यस, मतलब कि ये फाइल पहले से एडेड है इस पे फोल्डर में, और वो पेरेंट फोल्डर पहले से हमारा प्रोटेक्टेड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फाइल को हम कहीं और रख लेते हैं क्योंकि तो ये डेटा फोल्डर के अंदर ऑलरेडी, और डेटा फोल्डर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड यानी इसकी लिस्ट में है, तो हम इसको अलग रख लेते हैं फाइल को, यानी कि वो फोल्डर पे पहले परमिशन नहीं होनी चाहिए जिसमें भी ये रखा हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये फाइल मैंने बाहर कॉपी कर ली है, अब हम डी ड्राइव के बाहर से ही इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं वापस चला जाता हूँ डी ड्राइव में, और ये फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली, ओपन कर लिया। अब ये देखिए फाइल मेरी प्रोटेक्ट हो चुकी है, ये दिखा रहा है, और ये हाइड और लॉक हो चुकी है बाय डिफॉल्ट, यानी फर्स्ट टाइम जो भी परमिशन लगाएंगे फाइल या फोल्डर पे वो हाइड और लॉक इसको कर देगा, यानी हाइड भी कर देगा और लॉक भी कर देगा, उसके बाद हम परमिशन चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी मेरी फाइल यहाँ पे डी ड्राइव में नहीं शो हो रही है, तो इसे हम इसको सिर्फ लॉक करते हैं, या मैं इसको अभी अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। देखिए अनप्रोटेक्ट कर दिया, अभी ये फाइल मेरी ओपन हो रही है, मैं इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता करता हूँ अभी। तो देखिए मैं चेंज कर पा रहा हूँ उसमें, देख सकते हैं आप, मैं इसको सेव करता हूँ, इसको बंद कर दिया, अभी मैं इसमें चेंजेस कर पाता हूँ। अभी मुझे चाहिए, मैं इसमें एडिट करना चाहता हूँ, और इस पे प्रोटेक्शन अभी क्योंकि कोई नहीं लगी है, तो मैं इसको अभी रीड ओनली परमिशन लगा के देखता हूँ। पहले तो मैं इसको लॉक करता हूँ, तो अभी ये देखिए लॉक हो जाना चाहिए मेरी फाइल, फाइल दिख रही है मेरी डी ड्राइव में। मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए एरर दे रहा है कि कह रहा है कि पहले इसको अनलॉक कीजिए, तो यानी कि परमिशन हमारी सक्सेसफुली अप्लाई हो रही है यहाँ पे। अभी मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, अभी देखते हैं वापस, अभी ये देखिए खुलने लगी, यानी हमारी प्रोटेक्शन ठीक से काम कर रही है। अभी मैं इस पे रीड ओनली की परमिशन लगाता हूँ खाली, तो रीड ओनली की परमिशन अभी इस पे अप्लाई हो गई है, तो फाइल ओपन होनी चाहिए, ओपन हो रही है। इसमें मैं कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं सपोज कीजिए मैंने ये डिलीट कर दिया, अब ये सेव होना चाहिए कि नहीं देखते हैं। सेव कर रहा हूँ और ये सेव नहीं हो रहा है, ये देखिए
तो यानी कि रीड ओनली परमिशन इस पे लग चुकी है, कुछ मैं इसमें टाइप भी करता हूँ तो ये टाइप होना चाहिए, सेव होना चाहिए ये, लेकिन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि इस फाइल को रिप्लेस करिए, मैं यस कर देता हूँ तो भी ये सेव नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है, यू डू नॉट हैव द परमिशन टू ओपन दिस फाइल, सी द ओनर ऑफ द फाइल और एन एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑब्टेन द परमिशन। कह रहा है आपके पास परमिशन नहीं है, परमिशन होनी चाहिए। तो ये हमारा मेथड बिल्कुल सक्सेसफुली अप्लाई हो रहा है, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं फाइल को, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका नेक्स्ट ऑप्शन। हमने हाइड देख लिया, लॉक देख लिया, रीड ओनली देख लिया। हाइड एंड लॉक ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट होता है, कोई भी नई फाइल हम ऐड करेंगे सॉफ्टवेयर में प्रोटेक्शन के लिए। ये सारे ऑप्शंस हम देख चुके हैं, सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है जो कि है पासवर्ड। अभी हम देखेंगे पासवर्ड प्रोटेक्शन इस पे लगा के, इसी फाइल पे चलिए हम लगा के देख लेते हैं पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड पे क्लिक करा मैंने और ये कह रहा है कि डिफॉल्ट पासवर्ड आपको यूज करना है जो कि मास्टर पासवर्ड है, या कुछ सेपरेट पासवर्ड आपको लगाना है इस फाइल पे। तो मैं इस पे कोई दूसरा पासवर्ड लगा के दे देता हूँ, जैसे कि मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे 123, 123। आप हिंट भी कोई दे सकते हैं, मैं हिंट भी दे देता हूँ इसका 123, इससे मुझे कि याद रहे। लेकिन अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इसका हिंट नहीं देना है, आप हिंट कुछ ऐसा देंगे जो कि आप ही समझ पाए, अगर देना है तो मैं इसको ओके कर देता हूं और ये फाइल मेरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुकी है। मैं देखता हूँ ये पासवर्ड मांगती है कि नहीं, ये देखिए पासवर्ड मांग रही है। मैं इसमें कुछ पासवर्ड डाल के देखता हूँ, 123 पासवर्ड शो भी कर सकते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए फाइल ओपन हो रही है, यानी हमारी प्रोटेक्शन ठीक से काम कर रही है। मैं देखता हूँ कोई गलत पासवर्ड इस पे अभी डाल के फिर से, तो अभी मैं इसको ओपन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पासवर्ड डाला हुआ है। मैं इसकी परमिशन को फिर से ऑफ करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ वापस। अब देखता हूँ खोल के, अभी भी खुल रही है फाइल ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला हुआ है। अभी मैं इसको फिर से अनप्रोटेक्ट करता हूँ और इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। ये फिर से देखिए पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि आपको यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा जब जब आप इसका पासवर्ड की परमिशन देंगे। तो अभी हम इसको हटा देते हैं परमिशन, क्योंकि हमें नहीं यूज करना है इसको, हम इसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं और बाय डिफॉल्ट हम इस पे से परमिशन अभी हटा देते हैं इस पे से। तो अगर आपको रिमूव करना है इसमें से कोई भी फाइल या फोल्डर जो आपने सेट कर रखा है, वो यहाँ से लिस्ट में से आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने हटा दिया है इसमें से, और जिन पे आप रखना चाहते हैं परमिशन अलग अलग कोई भी सेट करना चाहते हैं, आप सारी परमिशन सेट कर सकते हैं। तो और अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन आपकी ऑफ हो गई। मैं सॉफ्टवेयर अभी बंद करके आपको दिखाता हूँ। तो सॉफ्टवेयर मैंने बंद कर दिया, मैं दोबारा से अपनी डी ड्राइव एक्सेस करता हूँ और मेरे सभी फोल्डर प्रॉपरली एक्सेस हो रहे हैं। फाइल में मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ कोई भी, आप देख सकते हैं मैं सेव कर रहा हूँ, सेव हो चुके हैं चेंजेस। वापस देखता हूँ, हाँ हो गया है सेव। तो अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसमें। मैं फिर से अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ तो ये पासवर्ड मांगेगा, मैं अपना मास्टर पासवर्ड इसमें फिर से दे देता हूँ, ओके करता हूँ और ये प्रोटेक्शन इसकी ऑन हो चुकी है और सॉफ्टवेयर ऑन हो चुका है सॉरी। और मैं इसको प्रोटेक्शन ऑन कर देता हूँ, अभी देखता हूँ तो ये 123 फोल्डर लॉक है और ये नहीं खुलना चाहिए मेरा। ये देखिए प्रोटेक्शन इस पे लगी हुई है और हमारा डी ड्राइव पे कोई भी, सॉरी डी ड्राइव में डेटा फोल्डर है उस पे कुछ भी परमिशन नहीं लगी है, कुछ भी सिक्योर नहीं है, अनप्रोटेक्टेड है। तो ये देखिए हमारी फाइल प्रॉपरली ऑन हो रही है और इस पे कोई भी परमिशन या प्रोटेक्शन सेट नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर इस सेटिंग्स को आपको अप्लाई करना है सब पे कॉमन
परमिशन एक साथ लगानी, तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं हाइड एंड लॉक कर देता हूँ इसको, तो अभी ये फाइल्स मेरे को नहीं दिखना चाहिए। तो जो मैंने फाइल्स बाहर रखी हुई हैं वो दिख रही हैं, बाकी जो मैंने देखिए फोल्डर पे परमिशन लगाई है डी ड्राइव के अंदर 1 2 3 फोल्डर और डेटा के अंदर, वो दोनों फोल्डर गायब हैं बिल्कुल, क्योंकि लॉक एंड लॉक परमिशन लगी हुई है यहाँ पे। तो ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। कभी भी आप इसके पासवर्ड जैसे भूल जाते हैं, और वो भी मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर है। अब सपोज कीजिए मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाऊंगा, ये कह रहा है रीसेट की गेट की, तो मैं गेट की पे क्लिक करूंगा, तो ये ले गया है एक लिंक पे, लेकिन ये लिंक नहीं खुल रहा है आप देख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो इसने हमारी हमारी मेल आईडी का नेम दिया है यहाँ पे, और की एक जनरेट करी है। चलिए देख लेते हैं इस की को हम यूज करके कि क्या ये अनलॉक होता कर रहा है इस की से कि नहीं। अगर हम फॉरगेट करते हैं पासवर्ड को, भूल जाते हैं, तो मैंने की कॉपी कर ली है, देखिए एग्जैक्ट कॉपी हुई है। गेट की पे क्लिक करेंगे और चलिए ये की पड़ी हुई है, हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं, लेकिन ये दे रहा है इनवैलिड की, प्लीज रीचेक योर रीसेट की। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा क्योंकि साइट इसकी एक्सेस नहीं हो रही है किसी भी कारण से। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको इसका पासवर्ड संभाल के रख लेना है, उसको मिस नहीं करना है, और कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए सीक्रेट प्लेस पे, और आप जब भी चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी पासवर्ड भूला नहीं हूं, मुझे याद है, मैं इसको डाल के देखिए एक्सेस कर चुका हूं। और कभी आपको चेंज करना है पासवर्ड, तो सेटिंग्स में जाके इसको यहां से चेंज भी कर सकते हैं, पासवर्ड को करंट पासवर्ड देंगे, न्यू पासवर्ड देंगे, न्यू पासवर्ड देंगे और सेट कर लेंगे, और यहाँ पे भी डिफॉल्ट परमिशन को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था आज का सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो आप इसका यूज करिए, इसको टेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका डाउनलोडिंग लिंक सॉफ्टवेयर का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मेरे बाकी के भी वीडियोस देखिए, सुझाव दीजिए, आपको वीडियोस कैसे लगे, अच्छे लगते हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, सभी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट कर सकते हैं आपको जिस भी टॉपिक पे न्यू वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियोस अपलोड करके अपने चैनल पे दूंगा। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।